हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वी विल डिस्कस रिगार्डिंग इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन फीडिंग गाइडलाइंस एंड ब्रेस्ट फीडिंग फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग क्या होती है टू इनेबल मदर टू एस्टेब्लिस एंड सस्टेन एक्सक्लूसिव ब्रेस फीडिंग फॉर सिक्स मंथ ठीक है अगर बेबी जो है वो सिक्स मंथ का जब तक नहीं हो जाता तो एक मदर जो है उसको क्या करना है केबल उसको ब्रेस फीडिंग देनी होती है उस जो ब्रेस्ट फीडिंग केबल देनी होती है उसको क्या कहते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब जो सिक्स मंथ तक मदर है वो ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा उसको इवन वाटर तक नहीं दे सकती तो इसको क्या कहेंगे जो बेबी है वो सिक्स मंथ तक क्या लेगा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फेडिंग डब्लूएचओ एंड यूनिसेफ रिकमेंड डब्ल्यू एच ओ और यूनिसेफ क्या रिकमेंड करते हैं इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग विद इन द फर्स्ट आवर ऑफ लाइफ जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इनिशिएट हमको करना है जो मदर को ब्रेस्ट फीडिंग वो कराए कब इनिशिएट करना होता है उसका जो जैसे ही बेबी बॉर्न हुआ है उसके फर्स्ट आवर ऑफ़ लाइफ में उसको हमें इनिशिएट करना होता है कि वो तुरंत तुरंत उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराए फर्स्ट आवर उसके लिए होता है जब बेबी जो है वो सिजेरियन केसेस में हुआ है अगर बेबी जो है वो विजाइनल डिलीवरी से हुआ है तो उसको हम हाफ एन आवर में ही उसका जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है उसके लिए हम इनिशिएट कर देते हैं नेक्स्ट वन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क विद नो एडिशनल फूड और ड्रिंक नॉट इवन वाटर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है हमें क्या देना है सिर्फ ब्रेस्ट uh, मिल्क जो है वो देना उसमें कोई भी एडिशनल फूड नहीं होगा ना कोई एडिशनल ड्रिंक होगा नॉट इवन हम वाटर उसको दे सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड एज ऑफ एन द चाइल्ड वॉर्न डे एंड नाइट ब्रेस्ट फीडिंग हमें कब करानी होती है बेबी को ऑन डिमांड करानी होती है जैसे ही बेबी आ, मतलब थोड़ा सा फेसियल एक्सप्रेशन चेंज करता है या डिमांड करता है रोने के बाद में तो हमें उसको तुरंत ही ब्रेस्ट फीड कराना होता है नो यूज़ ऑफ बॉटल ट्रीट्स और पेसीफायर हमें जो बॉटल ट्रीट्स आते हैं और जो पेसीफायर्स आते हैं आर्टिफिशियल उनका कोई यूज़ नहीं करना होता है हमें डायरेक्ट केवल क्या करानी होती है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नेक्स्ट वन द रिकमेंडेशन फॉर फीडिंग इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन सिक्स टू ट्वेंटी मंथ्स इंक्लूड अगर बेबी वहीं छः से तेईस महीने का हो जाता है उसके बाद उसको क्या करना है मतलब सिक्स मंथ होने के बाद हमें क्या करना होता है कंटिन्यूड ब्रेस्ट फीडिंग उसका जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है वो क्या रखेंगे हम कंटिन्यू रखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड सेमी सॉलिड और सॉफ्ट फूड एट सिक्स मंथ उसका जो बीनिंग फूड जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री फूड जो होता है उस पर हम शिफ्ट कर देते हैं तो उसमें क्या देते हैं सॉलिड फूड दे सकते हैं सेमी सॉलिड फूड दे सकते हैं एंड सॉफ्ट फूड देंगे उसको सिक्स मंथ में हम ठीक है अप्रोप्रिएट फूड डाइवर्सिटी एटलीस्ट फाइव फूड ग्रुप्स पर डे उसको क्या देना है फूड डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट फूड्स देने होते हैं समथिंग हम जो फाइव फूड्स हैं फाइव फूड ग्रुप्स जो हैं उसमें से हम कुछ भी फूड में दे सकते हैं जो कि सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में है जो जिसको बेबी जो है वो ईजिली डाइजेस्ट कर पाए नेक्स्ट वन अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी ऑफ मील्स जो अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी है वो मील्स की हमें मेंटेन करके रखनी पड़ती है टू टू थ्री टाइम्स अ डे बिटवीन सिक्स टू एट मंथ्स हमें क्या करना है टू टू थ्री टाइम्स हमें खाना देना होता है उसको जो सॉलिड सेमी सॉलिड फूड दे रहे हैं वो सिक्स टू एट मंथ तक हमें जो है वो थ्री टाइम्स देना होता है इंक्रीजिंग टू थ्री टू फोर टाइम्स अ डे विटबिन नाइन एंड ट्वेंटी थ्री मंथ जब बेबी जो है वो नाइन से ट्वेंटी थ्री मंथ्स का हो जाता है तो उसको हम इंक्रीज करके टू टू थ्री टाइम्स से कितना कर देते हैं थ्री टू फोर टाइम इंक्रीज करके कर देते हैं न्यूट्रीशियस

जो बेबी का जो फूड दे रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्रीड या फिर हम जिसको बीनिंग फूड भी बोलते हैं तो उसका क्या है जो फूड बना रहे हैं उसका कैसा होना चाहिए होममेड फूड होना चाहिए और उसका जो वो है वो सेफ प्रिपेयर किया गया हो मतलब बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करके और उसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जाना चाहिए तो उसका बहुत सेफ प्रिपरेशन किया गया ऐसा बीनिंग फूड होना चाहिए फीडिंग इन्फेंट इन रिस्पॉन्स टू देअर क्यूज़ जो फीडिंग इन्फेंट रिस्पॉन्स है उसका कब हमें देखना चाहिए जैसे उसका कोई भी वो क्यू देता है जैसे कि वो थोड़ा सा फेसियल एक्सप्रेशन चेंज करता है ठीक है और जो निप्पल है उसकी तरफ से वो अट्रैक्ट करता है तो जैसे ही वो फीडिंग के लिए वो कर रहा है फेशियल एक्सप्रेशन चेंज कर रहा है रोने लग रहा है ठीक है या फिर वो थोड़ा बहुत मुँह हिलाता है तो फिर हमें उसके जैसे ही वो रिस्पॉन्स कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें उस इन्फेंट को फीडिंग देनी होती है नेक्स्ट वन ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है ब्रेस्ट फीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंश्योर चाइल्ड हेल्थ एंड सर्वाइवल ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है मोस्ट इफेक्टिव वे होती है जिसमें हम चाइल्ड को हेल्थ और सर्वाइवल के लिए इंश्योर करते हैं कि उसकी हेल्थ जो है वो अच्छी मेंटेन है कि नहीं उसका सर्वाइवल जो है वो कितने टाइम के लिए होगा मतलब बहुत अच्छा उसका सर्वाइवल उसकी बहुत लॉन्ग लाइफ हो नेक्स्ट वन ब्रेस्ट मिल्क इज द आइडियल फूड फॉर इन्फेंट जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो एक आइडियल फूड होता है इन्फेंट के लिए इट इज़ सेफ बहुत ज़्यादा सेफ़ है क्लीन है एंड कंटेन एंटीबॉडी और क्या कंटेन करता है ये एंटीबॉडीज़ भी कंटेन करता है प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनी कॉमन चाइल्ड हुड इलनेस ये बहुत सारी कॉमन चाइल्ड हुड इलनेस होती हैं उनसे ये प्रिवेंट करता है मतलब इसमें जो इम्यूनोलॉजिकल पावर होती है वो ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट रहती है ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड ऑल द एनर्जी एंड न्यूट्रियट दैट द इन्फिन नीड फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके अंदर सारी एनर्जी प्रेजेंट रहती है न्यूट्रियट भी प्रेजेंट रहते हैं जो भी न्यूट्रियट बेबी को फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे न्यूट्रियट जो होते हैं वो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर प्रजेंट रहते हैं नेक्स्ट वन स्टेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग जो ब्रेस्ट फीडिंग है कुछ स्टेजेस में कंप्लीट होती है ब्रेस्ट मिल्क हैज़ थ्री डिफरेंट एंड डिस्टिंक स्टेजेस ब्रेस्ट मिल्क की थ्री डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं क्या क्या हैं फर्स्ट वन कोलेस्ट्रम नेक्स्ट वन ट्रांजिशनल मिल्क मेच्योर मिल्क ठीक है कोलेस्ट्रम क्या होता है एक गाढ़ा मिल्क होता है जो स्टार्टिंग में आता है कोलेस्ट्रम फिर उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है ट्रांजिशनल मिल्क में और जब ट्रांजिशनल मिल्क खत्म हो जाता है तो वो मेच्योर मिल्क में कन्वर्ट हो जाता है तो फर्स्ट व्यबल डिस्ट्री रिगार्डिंग द कोलेस्ट्रम कोलेट्रम क्या होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क ये क्या है फर्स्ट स्टेज होती है ब्रेस्ट मिल्क की इट अकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये प्रेगनेंसी के टाइम पे अकर होती है एंड लास्ट फॉर द सेवरल डेज आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी और ये कुछ दिन चलती है जब बेबी है उसका बर्थ हो जाता है तो कुछ दिन जो मिल्क आता है वो क्या आता है गाढ़ा मिल्क आता है वो जिसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं ये कुछ दिन चलती है जैसे ही बेबी का बर्थ हो जाता है उसके बाद इट इज़ आइदर येलोइश और क्रीमी इन कलर ये कैसा हो सकता है येलो कलर में हो सकता है और ये क्रीमी कलर में हो सकता है इट इज़ ऑल्सो थिकर थिक्कर द मिल्क ये कैसा होता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल मिल्क ये बहुत ज़्यादा थिकर होता है दैट इज़ प्रोड्यूस लेटर इन ब्रेस्ट मीडिंग जैसे जैसे अगर हम इसको कंपेरिजन करके देखें तो ये जो बाद में मिल्क सीक्रेट होता है वो पतला होता है और कोलेस्ट्रम जो होता है वो गाढ़ा मिल्क होता है नेक्स्ट वन कोलेस्ट्रम इज हाई इन प्रोटीन कोलेस्ट्रम जो होता है बहुत हाई होता है प्रोटीन में फैट सॉल्युबल विटामिन भी इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं मिनरल्स भी और इम्यूनोग्लोबल्स जो होती हैं वो भी इसके प्रजेंट रहती हैं इम्यूनोग्लोबंस आर एंटीबॉडीज दैट पास फ्रॉम द मदर टू द बेबी इम्यूनोगोगलोबंस क्या होती हैं ये एंटीबॉडीज़ होती हैं ये हमें किसी भी डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं और ये मदर से बेबी के अंदर पास हो जाती है एंड प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी फॉर द बेबी और बेबी को कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है क्योंकि ये बेबी से मदर में ट्रांसफर सॉरी मदर से बेबी के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है इसलिए कौन सी इम्यूनिटी कर रही है पैसिव पैसिव इम्यूनिटी कर रहे हैं नेक्स्ट वन पैसिव इम्यूनिटी प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम ए वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल एंड वायरल इलनेस पैसिव इम्यूनिटी क्या करती है ये बेबी को जो है वो प्रोटेक्ट करती है ये कोई भी बैक्टीरियल या फिर वायरल डिजीज जो है वो उसको ना हो उससे ये प्रोटेक्ट करेगी पैसिव इम्यूनिटी टू टू फोर डेज आफ्टर वर्थ कोलेस्ट्रॉम मिल्क भी रिप्लेस बाई द ट्रांजिशनल मिल्क दो से चार दिन के बाद में जो कोलेस्ट्रॉम होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है ट्रांजिशनल मिल्क में नेक्स्ट वन ट्रांजिशनल मिल्क ट्रांजिशनल स्टेज क्या होती है ट्रांजिशनल मिल्क अकर आफ्टर कोलास्ट्रम एंड लास्ट फॉर अप्रॉक्सीमेटली टू वीक्स ट्रांजिशनल मिल्क जो होता है ये क्या होता है ये कोलास्ट्रॉम जब खत्म हो जाता है तो ये ट्रांजिशनल मिल्क में कन्वर्ट हो जाता है ये समथिंग टू वीक्स तक चलता है द कॉन्टेंट ऑफ ट्रांजिशनल मिल्क इंक्लूड हाई लेवल ऑफ फैट इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा हाई लेवल ऑफ फैट uh, प्रेजेंट रहेगा लैक्टोज प्रेजेंट रहता है और वाटर सॉल्यूबल विटामिन जो होते हैं वो प्रेजेंट रहे है. रहता है इट कंटेन मोर कैलरीज दैन कोलेस्ट्रम ये कंटेन क्या करता है बहुत सारी कॉलरीज जो होती है वो कंटेन करता है और ये कोलास्ट्रम के अकॉर्डिंग ये क्या करता है ये इसमें ज़्यादा प्रोटीन जो और कैलरीज जो होती हैं एज कंपेयर टू द कोलास्ट्रम मिल्क नेक्स्ट वन मेच्योर मिल्क मैच्योर मिल्क क्या होता है जब ट्रांजिशनल मिल्क जो होता है वो खत्म हो जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है मेच्योर मिल्क में ये समथिंग टू वीक्स बाद में कन्वर्ट होता है मेच्योर मिल्क इज़ द फाइनल मिल्क दैट इज़ प्रोड्यूस मेच्योर मिल्क क्या होता है ये फाइनल मिल्क होता है जो कि ये प्रोड्यूस होता है मतलब ये लास्ट में जब तक ब्रेस्ट फीड चलता है तो ये कैसा रहता है मेच्योर मिल्क हम देते हैं बेबी को नाइन्टी परसेंट ऑफ इट्स वाटर विच इज़ नेसेसरी टू कीप योर इन्फेंट हाइड्रेटेड इसमें क्या प्रेजेंट रहता है इंटी परसेंट जो होता है वो वाटर प्रेजेंट रहता है द अदर टेन परसेंटेज कंप्राइज ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट और जो टेन परसेंट जो रिमेनिंग चीज़ रहती है मदर मिल्क में वो क्या रहती है कार्बोहाइड्रेट रहता, रहता है प्रोटीन रहता है एंड फैट रहता है एंड नेसेसरी फॉर बोथ ग्रोथ एंड एनर्जी किस लिए नेसेसरी होता है ये जो बेबी का ग्रोथ हो और उसकी वो पूरा प्रॉपर उसको एनर्जी मिले उसके लिए ये नीडेड रहता है Next one. दीज आर टू टाइप ऑफ मेच्योर मिल्क मेच्योर मिल्क जो होता है वो दो तरीके का होता है कौन कौन सा फोर मिल्क एंड दिंड मिल्क फोर मिल्क क्या होता है दिस टाइप ऑफ मिल्क इज फाउंड ड्यूरिंग द बिगनिंग ऑफ द फीडिंग एंड कंटेन वाटर ये हाँ रहता है? जब हम बेबी को आ, फीडिंग का बिगनिंग करते हैं तब ये प्रेजेंट रहता है मेच्योर तुरंत मिल्क जैसे ही हमारा जो पहले फेज क्या थी है कॉलेस्ट्रॉम फेज़ नेक्स्ट फेज क्या थी हमारा ट्रांजिशनल फेज़ नेक्स्ट वन क्या थी हमारी जो ये है पड़ रहा है मेच्योर मिल्क वाली फेज़ ये थी ठीक है तो जब मेच्योर मिल्क का स्टार्टिंग होता है तो क्या प्रेजेंट रहता है फोर मिल्क प्रेजेंट रहता है तो स्टार्टिंग की फेज़ में क्या रहेगा फोर मिल्क जब ये थोड़ा और लेटर ऑन हो जाएगा मतलब बाद में ये क्या रह जाएगा हिंड मिल्क हिंड मिल्क दिस टाइप ऑफ मिल्क अकस आफ्टर द इनिशियल रिलीज़ ऑफ मिल्क जब ये मिल्क होता है जब इनिशियल स्टार्टिंग का रिलीज़ हो जाता है तो इसमें क्या रहता है हाइयर लेवल ऑफ फैट प्रेजेंट रहता है और क्या रहता है नेसेसरी चीज़ें होती हैं जिससे बेबी का जो है वो वेट गेन हो जाए नेसेसरी चीज़ों में क्या प्रेजेंट रहेगा इसमें फैट प्रजेंट रहेगा फ़ोर मिल्क क्या है जो स्टार्टिंग की बिगनिंग फेज हुई है मिच्योर मिल्क के उसमें फ़ोर मिल्क और जो बाद का मिल्क होगा जिससे वेट गेन के होता है बेबी का वो कैसा रहता है हिंड मिल्क नेक्स्ट वन साइन ऑफ बेबी डिमांड्स फॉर फीडिंग बेबी डिमांड कर रहा है फीडिंग के उसके क्या क्या साइन होते हैं ए बेबी स्टार्ट विथ सुटेबल नर्सिंग क्यूज बेबी जो होता है वो नर्सिंग क्यूज़ देना स्टार्ट करता है उसके क्यूज़ क्या क्या होते हैं मूविंग बीनीथ आईलेट ये क्या करना लगता है अपनी आईलेट जो होती हैं वो गोल गोल घुमाने लगता है आईलेट्स फ्लटरिंग बिफोर दैन इवन ओपन आँखें जो होती हैं उसकी आईलेट जो होती हैं ये घूमने लगती है मतलब हिलाने लगता है जबकि आँखें जो होती हैं वो तब तक खुलती नहीं हैं हैंड कमिंग टू वर्ड द फेस उसके जो हैंड जो होते हैं वो फेस की तरफ आने लगते हैं माउथ मूवमेंट और अपने वो माउथ का मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है देन शी एड मोर ऑबियस मंस और ये क्या करता है कुछ ऐसे चेंज करता है जैसे कि रूटिंग टू वार्ड योर चेस्ट ये क्या करने लगेगा चेस्ट की तरफ से ये जाके उसको चेस्ट को कहीं पर भी ये सक करना स्टार्ट कर देता है विम्परिंग और स्क्िंग ये क्या करने लगता है विम्परिंग और स्क्िंग करने लगेगा मतलब उसमें जाके ये आ, सक करने लगेगा. वो उसको सर्च आउट करना स्टार्ट कर देता है नेक्स्ट वन वंस ही इज़ क्राइंग शी विल हैव टू हार्ड अ टाइम लैचिंग अगर बेबी जो होता है बेबी फीमेल या मेल जो भी है वहाँ पर अगर वो रो रहा है तो वो क्या करता है लैचिंग करने में मतलब बेबी जो निपल है उसका ग्रिप पकड़ने में लैच करने में उसमें थोड़ा टाइम लेता है क्राइंग इज लेट साइन ऑफ हंगर क्राइंग जो होता है वो लेट साइन हंगर का होता है अगर बेबी को स्टार्टिंग में अगर हमने उसके साइन नहीं समझे तो वो क्या करना स्टार्ट कर देता है रोना स्टार्ट कर देता है काम हर डाउन बिफोर ट्राइंग टू फीड हर हमें क्या करना होता है उसको काम करना होता है मतलब शांत करना होता है जब हम उसको फीडिंग कराने जा रहे हैं उसके पहले नेक्स्ट वन डोंट वेट फॉर ब्रेस्ट टू फील फुल उसका हमें क्या नहीं वेट नहीं करना है ब्रेस्ट को आ, आ, फुल होने का वेट नहीं करना है जब वो फुल हो तभी हम उसको फी फीड कराएं और फुल ब्रेस्ट ऑलरेडी स्टार्टेड टू स्लो डाउन प्रोडक्शन अगर बेबी जो होता है अगर सॉरी ब्रेस्ट जो है उसका मिल्क uh, जो है वो ऑलरेडी फुल uh, हो चुका है तो वो क्या करेगा वो प्रोडक्शन कम करना स्टार्ट कर देगा मतलब उसका प्रोडक्शन रेट जो होगा हो हो वो स्लो जाएगा तो हमें ऐसा नहीं करना कि मदर का ब्रेस्ट जो है वो पूरी तरीके से भर जाए तब हम उसको ब्रेस्ट फीड कराएं हमें पहले से ही उसका ब्रेस्ट फीड कराना स्टार्ट कर देना चाहिए ऑफर इवन सी इज़ नॉट आस्किंग एनी टाइम यू लाइक ठीक है अगर बेबी जो है वो पूछ भी नहीं रहा है मतलब फीड कराने के लिए वो हिंट भी नहीं कर रहा है या रो नहीं रहा है तब भी हमें उसको जैसे टू टू आवरली है अगर वो रो भी नहीं रहा है तो उसको हमें टू लिए जो है वो फीडिंग कराना ही कराना होता है